आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर लगातार 15 साल से विधायक रहे भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जनता में आक्रोश है। ग्रामीण जनता का कहना है कि 15 सालों से लगातार विधायक रहे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। भाजपा प्रत्याशी ने चेहरे से नाराज है। भाजपा के कट्टर समर्थक अन्य पार्टियों को मतदान करने की बात कह रहे हैं। पाप का घड़ा कहेंगे या जो कि अहंकार की चरम सीमा होती है, तो उसको उतारने के लिए जनता अब जब मन बदलती है, क्योंकि इसी जनता ने 3 बार एक व्यक्ति को से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में अब जोर पकड़ने लगा है। डीडीहाट ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल के नेतृत्व में डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत भांजा चिरकटिया समेत कई क्षेत्रों में कैबिनेट मंत्री भाजपा विधायक प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया गया है और भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को जिताने की अपील भी की गई है। मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं अभी तक सरकार की योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिला है, उन योजनाओं का लाभ लेके प्रत्येक व्यक्ति बहुत खुश है और पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रत्येक बच्चे से लेके बुजुर्गों तक का ऐसा माहौल है कि कमल के फूल को हमने आगे करना है और मोदी की सरकार राज्य में बीजेपी की सरकार हमें पुनः लानी है और भाजपा का। खबर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की है, जहां पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई है। खबर रुड़की से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया है। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय का रामगढ़ रुड़की में उद्घाटन होने वाला था। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए। इस दौरान उन्होंने रुड़की महानगर पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कम वोटों से मत जिताइएगा 22,000। और जब यहाँ का बक्सा खुलेगा 14 फरवरी को एक एक वोट आपने ले जा के डलवाना है, ले जा के डलवाना है और कमल के फूल वाला बटन इतनी बार डलवाना है कि शाम होते होते वो बटन ही अंदर चला जाए। नगर में आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आए और लोगों में जो जनसैलाब उमड़ा और जो लोगों ने यहाँ पर उत्साह दिखाया और लोगों में जो ऊर्जा का संचार हुआ, मैं समझता हूँ वो ऐतिहासिक है। ना आज तक कभी ऐसा हुआ, ना कभी ऐसा होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजुवाली में स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में सभा पहुंचे। सभा में मुख्यमंत्री जी ने स्वामी के लिए वोट की अपील की और लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी इसकी सीमाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद भी महासभा में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताएं शामिल हुए। विकासनगर में सियासी फिजाओं में अब एक बयान तैर रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेता अकील अहमद की ओर से बयान दिया गया है कि सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर एक बयान पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने विकास नगर के पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर देश आगे बढ़ा रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं द्वारा प्रेस वार्ताएं लगातार की जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो विकास के कार्य उत्तराखंड में किए उन पर जो है प्रकाश डाल रहे हैं और जनता को बता रहे हैं
आप सबके माध्यम से कि हमने क्या क्या काम किया। उस नियमित जो है, एक तारीख को मेरी उत्तरकाशी थी, दो तारीख को टिहरी थी और आज तीन तारीख को मेरी विकासनगर में प्रेस वार्ता थी, उसी के नियमित जो है ये प्रेस वार्ता से हमने मैंने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है, वो अपनी हार का डर सामने देखकर इस प्रकार के हथकंडे हमेशा अपनाते हैं। उन्होंने 1947 में धर्म के आधार पर देश को तोड़ा, उनके प्रधानमंत्री केवल वोट बैंक की राजनीति के किया, उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं पर्वतों की रानी मसूरी में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते मसूरी में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, बर्फबारी ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही हैं और स्कूली छात्राओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कालाढूंगी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेश वर्मा ने जनसंपर्क अभियान किया। कांग्रेस प्रत्याशी महेश वर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा में पहुंचे। इसी जगहों पर जनसभाएं की गई हैं। जनसभा में महेश वर्मा ने कहा कि पल्लवगढ़ मनकंठपुर से हमने सभाएं शुरू की हैं, मायापुर और चंद्रपुर में सैकड़ों की मतदान में यहां पर लोग एकत्रित हैं, लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, किसानों के लिए जो अपेक्षा है वो सामने है और तमाम मुद्दे भी, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर जनता परिवर्तन चाहती है। देखिए, आज पवलगढ़ मरकनपुर से हमने सभाएं शुरू की हैं, अभी ये मायरामपुर चांदपुर में देख रहे हैं आप, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। इतनी बारिश, इतनी कड़ाके की ठंड, उसके बाद भी लोग का जुनून कांग्रेस के पक्ष में है, लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के निराशाजनक कार्यकाल से जनता क्षुब्ध है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, किसानों के लिए जो अपेक्षा हुई है वो आपके सामने में है और तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन सारी बातों को लेके जनता परिवर्तन चाहती है। आज कांग्रेस के उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनावी रण में तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है, इसीलिए आप पार्टी चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं कि वह उत्तराखंड में जीत कर परचम लहरा सके। बता दें कि लश्कर विधानसभा सीट में आम आदमी ने डॉक्टर यूसुफ को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके समर्थन में पार्टी के दिल्ली से आए विधायक लश्कर विधानसभा सीट पर डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली से 3 विधायक आम आदमी पार्टी कैंप कार्यालय पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने लश्कर बाजार में पहुंचकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। कलियर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शदाब आलम ने अपने चुनाव कार्यालय पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी लगभग 24 घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया है। जारी किए गए घोषणा पत्र में कहा कि रोडवेज बस अड्डा बनवाना, कलियर को टूरिज्म प्लेस में बदलना सहित कई कामों को किया जाएगा। इसी के साथ प्रत्याशी इंजीनियर शदाब आलम ने लोगों से वोट देने की अपील भी की। मुद्दे और मुद्दों पर खरा उतरना जमीन आसमान का फर्क होता है। हमने बात की है 1 साल में 1,000 नौकरियां देने की, इंजीनियर शादाब आलम ने 5 साल में 5,000 नौकरियां। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ पे युवाओं को रोज़गार चाहिए, यहाँ पे अच्छी शिक्षा चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे जो भाई लोग हैं, जो लोग आम आदमी पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो लोग इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करेंगे। उत्तराखंड में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, कितनी सीटें आपकी झोली में होगी? मैं तो कहूँगा साहब 70 की 70 मेरी झोली में आ जाए, मैं क्यों मना करूँगा। वो जनता को देखना होगा कितनी झोली में डालती हैं और कितनी नहीं डालती। अगर जनता हमसे प्यार करती है तो मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आएंगे। थल में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। सुबह से लगातार हो रहे बारिश से शाम होते होते पिथौरागढ़ के जिले में मुनस्यारी चौकड़ी में बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। मुनस्यारी सहित चौकड़ी के कई गांव बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आए। इसी के साथ ही थल, बेनीगान, मुआनी, पाखुड़ जिला मुख्यालय क्षेत्र में सुबह से ही लगातार बिना रुके बारिश हो रही है। इसी के साथ ही तेज ठंड पड़ रही है। विधानसभा पिरान कलियर में बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के धनोरा गांव में सदस्यता ग्रहण की है और कहा हमारे साथ धोखा किया गया है और कहा हमने भाजपा इसलिए छोड़ी है कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है और कहा कि बार बार बहुजन समाज पार्टी का कलियर विधानसभा का परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा पिरान कलियर पूर्व विधायक ने आज हमारे गाँव में आकर भी देखा है।
मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। आप आज धनोरा गांव में हैं, यहां पर आने का रास्ता आपने भी देख लिया है, पानी भरा पड़ा है और इस क्षेत्र में विधानसभा के किसी भी गांव में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों में आक्रोश है और लोगों में इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का उन्होंने मन बनाया हुआ है और बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से ये सीट जीतने जा रही है। देखिए, सभी समाज जागरूक हो चुका है और खासकर सैनी समाज अब जागरूक है, क्योंकि भाजपा पार्टी ने सैनी समाज का हमेशा इस्तेमाल ही किया है। आज लग ना कोई विधायक देख पाए ना ही सांसद दे पाए, तो इसीलिए अब की बार हम सभी जितने समाज के लोग हैं और सैनी समाज के लोग हैं, हम सभी ने यही ठाना है। रुड़की में बसपा प्रत्याशी तनवीर कुरैसी कैंप कार्यालय का बसपा विधानसभा अध्यक्ष रामलाल की ओर से उद्घाटन किया गया। बता दें कि रुड़की में हाजिर तनवीर कुरैसी बसपा से रुड़की विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। बसपा प्रत्याशी तनवीर कुरैसी ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है और बसपा सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है। तो वही भाजपा के पूर्व विधायक प्रदीप बत्रा पर बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जो विकास के कार्य किए गए हैं वह भेदभाव के साथ किए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो एक हमारे यहाँ एक बहुत ही भयानक जहर घोल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा सब कर दिया, उसे भय को दूर करना है सबसे मेन मुद्दा तो है। उसके अलावा बेरोजगारी दूर करना हमारा मुद्दा है। बहुत गरीब दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा सभी लोगों को साथ चलने की है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम इस कदम को बढ़ाए। बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में तो नहीं है कि सरकार बना ले, पर हमारे बिना सरकार भी किसी की नहीं बनेगी। अच्छे दिन के वादे करे थे सरकार ने, बीजेपी सरकार की बात करें, वो कौन से अच्छे दिन आ रहे हैं? किसके खाते में एक डेढ़ लाख रुपए, 15-15 लाख का वादा करा था, कहीं घोषणा कर दी कुछ ये होगा और ये होगा, कहीं दिखाई दे रहा है आपको? सिर्फ ये है कि उन्हें पूंजीपतियों का फायदा करना, गरीब आदमी की तरफ उनका कोई बात नहीं है। ऐसा है, जो बहुजन समाज पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है केवल उसकी साथ में, आजाद समाज पार्टी के साथ में युवा वर्ग। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। वही घनसाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह आजकल अजीबोगरीब बयान देकर चर्चाओं में हैं। क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल शाह ने घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे और कहा कि इस बार मुझे घनसाली की जनता से विशेष उम्मीद है। जनता से अपील करते हुए कहते हैं कि इस बार मुझे विधानसभा भेजने में वोटर मेरी मदद करेंगे, अन्यथा 11 मार्च को मेरी अर्थी पर एक एक लकड़ी डाल देना। उन्होंने मेरी माता बहनी मेरा दोस्तों से मेरे निवेदन है घनसाली की जनता से, यार इस अपने भाई को एक बार मौका दो, इसको बचाओ और ये भाई आपका विश्वास दिलाऊं चुना आपको कि ये भाई विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक, क्योंकि भैया मैं तो बोलूँ ये शरीर आपके लिए अरे पढ़ लिखी, जब हमने शरीर चढ़े जन्मा दियो नहीं चढ़ो ना तब हमने राजनीति जन से चढ़ाए, तो ये शरीर आपका है, ये शरीर घनसाली की विधानसभा का है, इसका एक एक खून का कतरा घनसाली की महान जनता के लिए, घनसाली के जो साधन विहीन क्षेत्र है उनके लिए मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र का जो अंतिम गांव है उस तक मैं विकास की धारा पहुंचाऊं, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है जिसके पास जय आज भी कूड़ू निर्णा, जो बहन को आज हमारे आज भी पेंशन नहीं मिल रही, अरे हम दोनों पति पत्नी को। श्रीनगर में ऋषिकेश की ओर से जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिरा। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआर की टीम ने रेस्क्यू में जुट गई है। बता दें बारिश होने से रेस्क्यू में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आज सुबह 6 बजे एक सूचना मिली थी कि श्रीनगर से ऋषिकेश की तरफ एक ट्रक जिसमें कुछ मजदूर थे आ रहा था, जो बछेली काल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ इसकी जानकारी नहीं है। 7 मजदूरों को संबंधित पुलिस बल द्वारा एम्स व अन्य चिकित्सा हेतु भेज दिया गया है। 2 लाशें मिली हैं जिसमें एक की शनाख्त हो गई है, एक की शनाख्त नहीं हो पाई है। चालक मालिक इनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि अज्ञात लाश जो एक मिली है वो किसकी है।
हम आपको बता दें कि श्रीनगर से और ऋषिकेश जाते हुए एक ट्रक बछेड़ी खाल के पास 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक में 9 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मृत्यु हो गई है और 7 घायल हुए हैं। 7 घायलों को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जा रहा है। इसकी दुर्घटना की सूचना मिलते ही देवप्रयाग की पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू का कार्य अभी भी जारी है। ये पता नहीं लग पा रहा है कि इसमें चालक और उसका जो क्लीनर हैं वो सही है कि नहीं है। 9 लोग खुद बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परफेक्ट नर्सी है कि शायद ट्रक में ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। इस तरह की सूचना और इस तरह के बयान CO नरेंद्र नगर पुलिस उपाधीक्षक ने भी दिए हैं रविंद्र कुमार चमोली ने। देखना है अभी जो रेस्क्यू का कार्य है वो जारी है और किस तरह से जो है मतलब ये रेस्क्यू का पूरा होता है। इसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि लगातार क्षेत्र में बारिश जारी है, तापमान काफ़ी गिर चुका है, इससे बड़ी परेशानी जो है रेस्क्यू करने में आ रही है। मैं व्हाट्सएप पर। तो यह रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।